हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू लाइफ साइट विद अगेन। मैं रवि विशेष, एक बार फिर से आपको लेके आया हूँ एक अल्टीमेट लोकेशन की तरफ, जो कि ओमैक्स फेस वन न्यू चंडीगढ़ के अंदर है। जी हाँ, अल्टीमेट लोकेशन कहने का मतलब है क्योंकि आज जो मैं आपको प्रॉपर्टी शो करने वाला हूँ वो एक विला मैंशन है, वो भी 604 गज में बना हुआ। जी हाँ, 604 स्क्वायर यार्ड के अंदर विला मैंशन है। आप इसको मिनी रिजॉर्ट भी कह सकते हैं, तो उसमें कोई शक नहीं रहेगा, बिकॉज इसमें जो चीज़ें यूज़ की गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ आर्किटेक्ट हरप्रीत सिंह जी से, जिनका ये विला है। इस विला के ओनर भी ये हैं, डिज़ाइन भी इन्होंने किया है। तो आज सर अपने को एक्सप्लेन करेंगे अपने इस विला मैंशन मिनी रिजॉर्ट के बारे में, जो कि आपका एक ड्रीम हाउस बन सकता है। जब आप इसको देखोगे तो आप इसको भूल नहीं पाओगे। तो सर, अगर हम बात करें, जब आपने ये बनाने का सोचा, ड्रीम हाउस है किसी का भी ये, जब आपने बनाने का सोचा तो क्या आपकी थिंकिंग रही थी? हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्किटेक्ट हरप्रीत सिंह। ये मेरा अपना एक ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट है जो मैंने अपने लिए बनाया है, विजुअलाइज़ किया। मैं एक घर को ऐसा मानता हूँ कि घर आपको एक मैग्नेट की तरह इनवाइट करना चाहिए, एक हॉलीडे फील आना चाहिए, एक रिजॉर्ट टाइप फील आना चाहिए। वो मेरा एक कॉन्सेप्ट था इस घर को बनाते हुए। ये घर मैंने दो प्लॉट्स को जोड़ के, जो कि 302 गज के हैं, 604 गज का फ्रंट, अबाउट 74 फीट वाइड फ्रंट है इसका, जो कि एक चंडीगढ़ के दो कनाल के फ्रंट के बराबर है। एंड ये ईस्ट फेसिंग लोकेशन है, वास्तु के हिसाब से मैंने बनाया है। ये 4 बेडरूम का एक विला है, 1+3, ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम है, फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम है। एंड एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए बेसमेंट में होम थिएटर, बार, पूल टेबल, ऐसी चीज़ों की प्रोविज़न है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ अगर मैं इस लोकेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँ, ये ओमैक्स फेस वन की सबसे प्राइम लोकेशन कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ से जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे तो अपना क्लब हाउस ऑपरेशनल है ओमैक्स की तरफ से। राइट हैंड साइड में जाएंगे तो फुली ऑपरेशनल मार्केट आ जाती है, 24/7 सिक्योरिटी, पावर बैकअप, वाटर सप्लाई, सारी ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं आज के डेट में। हैप्पीली फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी ही ड्रीम प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी सर आपको हर एक चीज़ इस विला की आज एक्सप्लेन करेंगे। आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा 604 गज का विला, मेरा ड्रीम रिजॉर्ट, जिसका डायमेंशन है 74 फीट बाय 73 फीट। इतना बड़ा फ्रंट चंडीगढ़ में एक दो कनाल के प्लॉट का होता है, जो कि एक 600 गज में मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है। यहाँ पे घर के आगे ये जितना सेटबैक है, ये अप्रॉक्सीमेटली 12 फुट का सेटबैक, मैंने इसको ग्रीन डेवलप किया है ताकि ये घर की और खूबसूरती को हाईलाइट करता है। ओमैक्स की जो ये जितनी रोड्स हैं, ये सारी कॉन्क्रीट की बनी हुई रोड्स हैं, जो कि बहुत ही वेल मेंटेन्ड एरिया है। घर के, मेरे घर के सामने पार्क के साथ ये एक ग्रीन बेल्ट एरिया है, जो कि मैं पार्किंग यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 4-5 कार्स कैन बी पार्क्ड एडिशनली बिसाइड्स इनसाइड द हाउस। घर में मैंने दो जगह से एंट्री ली है, एक स्लाइडिंग मोटराइज गेट के थ्रू जहाँ से कार्स एंटर कर सकती हैं, और दूसरी साइड में जो है हमारे पर्सनल पेडेस्ट्रियनाइज एंट्री है गेस्ट के लिए, अपने लिए। जो ये घर है, ये ईस्ट फेसिंग घर है, वास्तु के हिसाब से बनाया हुआ है और फेसिंग पार्क है, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। जो ये घर का फ्रंट आप बाउंड्री वॉल और फेंसिंग देख रहे हैं, ये सारा मटेरियल एल्युमिनियम पाउडर कोटिंग का बना हुआ है रादर देन इन मेटल। जो घर की एंट्री बेल है वो एक वीडियो डोर फोन के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं आप एट नाइट ऑल्सो। फ्रेंड्स, आप घर में एंटर करते हैं एक लिली पॉन्ड के थ्रू, जिसमें के फिशेस एंड वाटर प्लांट्स एंड लोटस, वो सारा इसको एंट्री को एक हाईलाइट करने के लिए। ये जो स्कल्पचर आप देख रहे हैं, ये मैंने स्टोन हेंज करके जगह है इंग्लैंड में, उसका रेप्लिका करने की, क्रिएट करने की कोशिश की है, जो कि आपको एक ब्यूटीफुल एंट्रेंस स्कल्पचर का इफेक्ट देता है। फ्रेंड्स, जो घर का फ्रंट है
वहाँ पे एक ब्यूटीफुल गार्डन, वाटर बॉडी, वरांडा, जहाँ पे आप बैठ के गर्मी सर्दी में रिलैक्स कर सकते हैं, इवन बारिश में आप बैठ सकते हैं। जो ये वाटर बॉडी है, इसमें एक जकूजी बनाई गई है, वाटरफॉल बनाया गया है, इवन इसको एक रिजॉर्ट टाइप लुक देने के लिए बोट का इस्तेमाल किया गया है एज ए फीचर। जो ये घर है, ये चारों तरफ से मैंने इंडिपेंडेंट रखा हुआ है फ्रॉम द नेबर्स। मेरी अपनी वॉल जो कॉमन वॉल को टच नहीं करती, सो दैट इन फ्यूचर कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन आपके साइड्स में होती है तो योर हाउस इज सेफ, आपका कोई लीकेज का पॉइंट नहीं आएगा। घर की बेसमेंट को बाहर से भी डायरेक्ट अप्रोच दी है, अंदर से भी है, सो दैट आपकी कनेक्टिविटी इंडिपेंडेंट भी रहे इन केस ऑफ एनी गेट टुगेदर और फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। दोस्तों, ये घर का जो दरवाज़ा है, ये बहुत ही यूनिक क्रिएट करने की कोशिश की है मैंने, और इसके ऊपर डिजिटल लॉक का इस्तेमाल किया गया है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। दोस्तों, हम घर में एंटर करते हैं एक बड़े डबल हाइट एरिया में, इसको मैं एंट्रेंस फॉयर जो है, यहाँ पे मैंने कुछ स्कल्पचर्स का और कंसोल और इस तरीके से इसको हाईलाइट करने की कोशिश की है। एक शैंडलियर का इस्तेमाल किया गया है। राइट हैंड साइड में हमारे ड्राइंग रूम की एंट्री है। ये एंट्री एक ग्लास के स्लाइडिंग डोर के थ्रू है, विच इज़ अ क्लियर ग्लास, ताकि आपका जो ड्राइंग रूम है वो एक नॉइज प्रूफ भी हो जाए और स्टिल आपकी ओपननेस पूरे घर की वो बरकरार रहे। जो ड्राइंग रूम है वो उसको मैंने थोड़ा सा सोबर और कलरफुल फॉर्मल लुक देने की कोशिश की है। मैंने कुछ गोल्डन कलर का यूज़ किया है, कुछ डार्क ब्लू कलर का यूज़ किया है, और मैंने कुछ आर्ट वर्क, पेंटिंग्स, डेकोरेटिव लाइटिंग और इवन डेकोरेटिव फैन का भी इस्तेमाल किया है। जितने भी घर का एयर कंडीशनिंग है वो सारा VRV एयर कंडीशनिंग है, हाइडवे ACs के साथ। जैसे एक होटल में आपको सिर्फ ग्रिल नज़र आती है कमरे में, वैसे ही आपको यहाँ पे नज़र आएगी, आपको कोई स्प्लिट AC, कोई भी मशीन नज़र नहीं आएगी, सो दैट आपकी जो दीवारें हैं वो नीट एंड क्लीन रहें टू पुट एनी आर्ट वर्क और एनीथिंग टू डिस्प्ले। घर के जितने भी बड़े बड़े कर्टन्स हैं वो सारे हमने मोटराइज्ड कर रखे हैं, सो दैट आपको कर्टन्स को, उनके कपड़े को टच ना करना पड़े, ताकि उनकी लाइफ और मेंटेनेंस, इट्स वेरी इजी एंड इट आल्सो फील्स वेरी गुड वंस इट इज़ ऑन ऑटोमेशन। ऐसे ही घर की जितनी लाइटिंग है वो भी हमने ऑटोमेशन करवा रखी है, इंटीरियर की लुक को अपलिफ्ट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, जैसे जैसे आपके मूड के हिसाब से यू कैन ऑपरेट द लाइटिंग पार्ट आल्सो। घर में मैंने फ्लोरिंग में 4x8 की नेक्सियन कंपनी की टाइल्स यूज़ की हुई हैं, जो कि बहुत ही हाई एंड टाइल्स हैं, और ये वाइट कलर का फ्लोर मैंने यूज़ किया हुआ है। ये घर का छोटा सा एक पाउडर रूम है, जिसको आप गेस्ट टॉयलेट कह सकते हैं, विच इज़ नियर टू दी ड्राइंग रूम। घर का जो रियर कोर्टयार्ड है उसको भी हमने एक गार्डन की लुक देने की कोशिश की है, सो दैट आपको घर में बैठे दोनों तरफ गार्डन की लुक आए, आप एक ऐसा फील करो कि आप एक रिजॉर्ट में बैठे हुए हो, येट यू आर एट होम। फ्रेंड्स, ये हमारा लॉबी कम डाइनिंग कम ओपन किचन कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे पूरा दिन फैमिली का व्यतीत होता है। ये इस पूरे एरिया का साइज अप्रॉक्सीमेटली 35 feet by 26 feet वाइड है, और यहाँ से दोनों तरफ आपको बाहर का गार्डन का व्यू नज़र आता है, तो आप मोर रिलैक्स्ड फील करते हैं। जो लॉबी है इसमें अबाउट 8 to 10 persons का सिटिंग कैपेसिटी है। मैंने इसमें ब्लैक, वाइट, रस्ट कलर वगैरह यूज़ करने की कोशिश किया है, सो दैट थोड़ा सा लाइवलीनेस एंड मेंटेनेंस फ्री जैसे लेदर वो सारे यूज़ किए हैं, ताकि लॉन्ग टाइम तक इनका वेयर एंड टियर ना हो। डाइनिंग 8-seater डाइनिंग का यूज़ किया गया है,
एंड ओवल शेप का डाइनिंग है विद मार्बल टॉप, वाइट मार्बल टॉप, एंड इट इज़ वेरी इजी टू मेंटेन डाइनिंग एरिया। जो लॉबी और डाइनिंग से आप थ्रू एल्यूमिनियम स्लाइडिंग डोर्स, पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम स्लाइडिंग डोर्स, आप इसको पूरा ये स्लाइड फोल्ड कर सकते हैं ताकि आप इनसाइड और आउटसाइड स्पेस को क्लब करके आप कोई भी पार्टी टाइप आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं एज पर योर इंडिविजुअल यूसेज। ये पूरा एरिया आपको एक जैसा नज़र आता है और काफ़ी ओपननेस रहती है। जितना ये ग्लेजिंग में ग्लास यूज़ किया गया है, ये सारा सिक्योरिटी ग्लास है, ये सारा सिक्योरिटी ग्लास है। आप बेसिकली इसको कोई भी ब्रेक करके अंदर नहीं आ सकता। ये हमारा ओपन इटालियन किचन कॉन्सेप्ट है विद आइलैंड एंड सर्विंग काउंटर, और ये सारा रेडीमेड कंपनी मेड प्रोडक्ट है फॉर लॉन्ग लाइफ एंड गुड लुकिंग। और इसमें हर चीज़ की प्रोविजंस हैं, लाइक बिल्ट इन ओवन, टोस्टर, ग्रिलर, इवन फूड वार्मर ट्रे, ओपन डबल डोर फ्रिज, बिल्ट इन रेफ्रिजरेटर फॉर एडिशनल स्टोरेज, स्पेस फॉर ग्लास शटर्स फॉर योर क्रॉकरी डिस्प्ले, एंड इवन अ पेंट्री यूनिट फॉर एडिशनल स्टोरेज, बिसाइड्स आपका चिमनी एंड हॉब एंड सिंक एरिया। किचन की जो लोकेशन है और इसमें जो विंडोज़ वगैरह दी गई हैं वो बहुत ही अप्रोप्रिएट तरीके से दी गई हैं ताकि आपको ऑल द टाइम गेट का व्यू, अपने घर का इनसाइड लॉबी का व्यू, दूसरे गेट का व्यू, गार्डन का व्यू, वो ऑल द टाइम नज़र आता रहता है। किचन के साथ ही एक ये स्मॉल वेट किचन है और पेंट्री आप इसको कह सकते हैं फॉर डर्टी यूटेंसिल वॉशिंग, वॉशिंग मशीन एंड एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। चलिए अब आपको ग्राउंड फ्लोर का जो एक बेडरूम है, जो कि गेस्ट बेडरूम है या इसको आप मास्टर बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं, वो दिखाते हैं आपको। इस बेडरूम का साइज़ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 12.5x18 फुट के करीब है, और इसमें भी मोटराइज्ड कर्टन्स, ऑटोमेटेड लाइटिंग और थ्रू स्लाइडिंग डोर ये आपको बाहर के वरांडा और गार्डन में कनेक्ट कर देता है। आप इसको एज ए फ्रंट वरांडा गेस्ट बेडरूम से यहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इस विला में जितने भी बेडरूम्स हैं वो एक अलग थीम में बनाए गए हैं, जैसे कि इस बेडरूम की फ्लोरिंग हमने वुडन फ्लोरिंग दी है, वॉल के ऊपर हमने मेटल का एक स्कल्पचर बैकग्राउंड दिया है बेड की बैकग्राउंड। जो ये बेड है ये इंपोर्ट किया गया है, एंड इसका ये LCD पैनल है विद स्टोरेज ड्रॉर्स एंड एडिशनल कैबिनेट, डिस्प्ले कैबिनेट। रूम की फॉल सीलिंग को भी एक बोल्ड कॉन्सेप्ट, एक फ्रेम का कॉन्सेप्ट दिया गया है टू गिव इट ए बोल्ड लुक। जो इस रूम के कर्टन्स हैं, अगेन जैसा मैंने कि आपको बताया, ये भी मोटराइज कर्टन्स हैं। आपको कर्टन्स ड्रॉ करने के लिए यू डोंट नीड टू टच इट, वो अपने आप ड्रॉ होते हैं और इसकी अकॉर्डिंगली लाइफ कर्टन्स की बढ़ जाती है, फैब्रिक की बढ़ जाती है। जो इस बेडरूम का ड्रेस एंड टॉयलेट है उसको हमने ड्रेस कम टॉयलेट का कॉन्सेप्ट दिया है। इसके ड्रेस और टॉयलेट को हमने क्लब कर दिया है विदाउट एनी पार्टीशन, तो जो इसकी जो लुक है वो ब्रॉडन हो जाती है, उसकी वजह से इट लुक्स मोर स्पेशियस। एंड इसमें भी हमने इम्पोर्टेड फैक्ट्री मेड कैबिनेट्स का
इंस्टॉलेशन किया है फॉर स्टोरेज पर्पस। ये बाथरूम इटालियन मार्बल एग्जॉटिक मार्बल की सीरीज से पूरा तैयार किया गया है। इसमें प्रॉपर एग्जॉस्ट फैन एंड ग्लास एनक्लोजर्स वो सभी का प्रॉपर प्रोविजनिंग किया गया है। जितना भी सैनिटरी वेयर है या सैनिटरी फिटिंग्स हैं वो सब आर्टिस जैक्वार रिप्यूटेड कंपनी की यूज़ की गई हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपने देखा हमारा ग्राउंड फ्लोर जिसमें के एक ड्राइंग रूम है, एंट्रेंस फॉयर है, लॉबी डाइनिंग कम इटालियन ओपन किचन है और एक गेस्ट बेडरूम है बिसाइड्स पाउडर रूम एंड वेट किचन। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर घर का, जहाँ पे 3 बेडरूम्स हैं, पूजा रूम है, लॉबी है और स्टोर है। फ्रेंड्स, जो ये घर की स्टेयरकेस है ये बहुत ही अनयूजुअल तरीके से बनाई गई है। ये सारी थिक मेटल प्लेट को पाउडर कोट करके यूज़ किया गया है ताकि इसकी जो एक लुक है वो मोर स्लीक और ओपननेस जो बरकरार रहे। और इसकी स्टेयरकेस की विड्थ 4.5 फुट के करीब है जो कि आपको काफ़ी खुला एक वो माहौल देती है। और ये इसके ऊपर इवन 200-250-300 किलो तक का वेट ये टेक केयर कर सकती है। फ्रेंड्स, ये घर का फर्स्ट फ्लोर है लॉबी। यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी एक पेंटिंग को इंस्टॉल किया हुआ है। जो लाइटिंग है, जो इफ़ेक्ट है लाइटिंग का, वो इंटीरियर की एम्बियंस को वो और एनहेंस करता है, इस तरीके से यूज़ किया गया है। ये बहुत ही एक अनयूजुअल काइंड लुकिंग एक एंट्रेंस कंसोल आपको एंटर करते ही नज़र आएगा विद अ मिरर गोल्डन फ्रेम के साथ। घर की ये फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में अबाउट 7-8 पर्सन्स का सिटिंग कैपेसिटी है। डबल हाइट एरिया आप घर के साथ ये जो कनेक्टिविटी है आपकी मेंटेन्ड रहती है सो दैट फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर आपका कनेक्टेड रहे। घर की सीलिंग का यहाँ पे हमने वुड का यूज़ किया हुआ है। ये अमेरिकन एश वाइट एश वुड है एंड इसको हमने सीलिंग में यूज़ किया हुआ है इंटीरियर को हाईलाइट करने के लिए। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इवन जो हमने कैसेट एसी यूज़ किया हुआ है वो ब्लैक कलर का यूज़ किया हुआ है सो दैट एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट बन के सामने आए। जो फर्स्ट फ्लोर की लॉबी है ये फ्रंट बैल्कनी में खुलती है जहाँ से आप गार्डन का व्यू ले सकते हैं और ये भी एक रिमोट कंट्रोल्ड कर्टन से खुल जाती है। इसके साथ ही लॉबी के साथ ही एक हमने पूजा रूम कम मेडिटेशन रूम क्रिएट किया हुआ है नॉर्थ ईस्ट की तरफ वास्तु के हिसाब से, जो कि जिसकी एंट्री एक ग्लास ब्रिज के थ्रू हमने क्रिएट की है। ये जो लॉबी में ये फ्रंट में हमने इसको बैल्कनी में खोला है थ्रू स्लाइडिंग गेट कॉन्सेप्ट। और ये बैल्कनी में बेसिकली आप बहुत अच्छा गार्डन का व्यू देख सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं एंड इवन बारिश के टाइम पे भी वरांडा के नीचे ये बैठ सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा गार्डन का व्यू यहाँ से नज़र आता है। और ये देखिए, मैंने एक ट्री ट्रंक को, ड्राई ट्री ट्रंक को एज ए स्कल्पचर भी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ये जो फर्स्ट फ्लोर की लॉबी है ये एक एडिशनल सिटिंग एरिया के काम आ रही है फर्स्ट फ्लोर पे। इसमें एल टाइप ऑफ सोफ़ा का यूज़ किया गया है, सिंगल सीटर है, डिफरेंट लुक के या आप कह लीजिए डिफरेंट स्टाइल के सेंटर टेबल्स भी यूज़ किए गए हैं, रग्स का यूज़ किया गया है, एक कैबिनेट जो कि एक बुक डिस्प्ले कैबिनेट है, टीवी कैबिनेट है, एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए कैबिनेट है वो इंस्टॉल की गई है। जो पहला बेडरूम फर्स्ट फ्लोर की लॉबी का है उसकी एक ग्लास ब्रिज के थ्रू एंट्री है। जितने भी घर के डोर्स हैं वो 9.5 फुट के हाई डोर्स हैं सीलिंग को टच करते हुए।
ये एक बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर पे, जिसका के साइज अप्रॉक्सीमेटली 14x18 फुट का है। यहाँ पे दीवारों के ऊपर भी आर्ट वर्क का यूज़ किया गया है। स्लाइडिंग डोर्स के साथ इनको एक प्राइवेट बैल्कनी भी दी गई है, जो कि अबाउट 6 फुट वाइड है। इस बैल्कनी को भी एक नेचुरल एनवायरनमेंट देने की कोशिश की गई है। यहाँ पे बड़ा सा प्लांटर के साथ एक बैम्बू, गोल्डन बैम्बू को यूज़ किया गया है। सिटिंग फॉर टू पीपल, ग्लास रेलिंग, और ये मैंने कुछ पिवटेड स्क्रीन्स, मैनुअली पिवटेड स्क्रीन्स का यूज़ किया हुआ है, जो कि आप सन डायरेक्शन या अपनी प्राइवेसी के हिसाब से इनको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर का ये बेडरूम बच्चों का किड्स बेडरूम है, जहाँ पे एक स्टडी टेबल फॉर लैपटॉप यूज़ वो भी और प्रिंटर के साथ वो लगाया गया है। जो यहाँ पे ड्रेस कम टॉयलेट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है विदाउट एनी डोर। जो ये ड्रेस कम टॉयलेट है, ये पार्ट ऑफ रूम हो जाता है, सो दैट योर रूम लुक्स मोर स्पेशियस। यहाँ पे ये वैनिटी विद मिरर आ जाता है। ये शॉवर एरिया आ जाता है, जिसमें एक स्टीम का भी प्रोविजन किया गया है। और यहाँ पे जो ये डोर है, ये WC के लिए डोर दिया गया है। जितनी भी ये कैबिनेट्स हैं, ये सारी टिंटेड ग्लास की कैबिनेट्स, रेडीमेड कैबिनेट्स, फैक्ट्री मेड कैबिनेट्स का यूज़ किया गया है। तो जो डोर हमने नहीं दिया, उससे क्या हो रहा है कि ये सारा स्पेस आपको एक वन बिग एरिया लग रहा है पर्सनल यूज़ के लिए। आपका रूम 18 फीट की बजाय अप्रॉक्सीमेटली 30 फीट लंबा नज़र आता है, तो काफ़ी स्पेशियस लगता है। जो फॉल सीलिंग है, वहाँ पे POP का डिफरेंट टाइप का स्टाइल का डिज़ाइन यूज़ किया गया है विद लॉट ऑफ लाइटिंग कॉन्सेप्ट ऑल्सो। और एक पूरा एक लाइटिंग का कॉन्सेप्ट और ऑरा एक क्रिएट होता है। ये जितना भी ये वॉल है, ये जैसे हमने इसको एक्सपोज्ड कॉन्क्रीट के ब्लॉक्स को पेंट करके उसको एक रस्टिक लुक देने की कोशिश की है। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम था। अब हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ, जो कि अगेन एक किड्स चिल्ड्रन रूम है। तो फ्रेंड्स, ये एक और सेकंड बेडरूम आ जाता है, जिसको अगेन फ्रंट का बहुत ही बिग ग्लास के थ्रू और मोटराइज कर्टन्स के थ्रू गार्डन का व्यू दिया गया है। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स का यूज़ किया गया है, अगेन कारपेट्स, इवन अगेन VRV एयर कंडीशनिंग का यूज़ किया गया है। बहुत ही सुंदर यहाँ से गार्डन का आप यहाँ से व्यू ले सकते हैं। ये इस बेडरूम का साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 18x12.5 फुट के करीब है, और यहाँ पे भी मैंने इसको एल्युमिनियम पाउडर कोटेड एल्युमिनियम ग्लेजिंग का यूज़ किया हुआ है विद सिक्योरिटी ग्लास। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक किड्स बेडरूम है, तो यहाँ पे भी एक स्टडी टेबल फॉर लैपटॉप पर्पस, स्टडी पर्पस वो, और बुक्स की स्टोरेज के लिए वो हमने कैबिनेट बनाया हुआ है। ये इस बेडरूम का अगेन ड्रेस कम टॉयलेट कॉन्सेप्ट है, जो कि अगेन रेडीमेड फैक्ट्री मेड कैबिनेट्स के साथ बना हुआ है विद क्लियर ग्लास शटर्स, सो दैट आपको ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट और मोर ओपननेस आपको एक फील नज़र आए। ओपन वैनिटी कॉन्सेप्ट है, ड्रेसिंग एरिया है, एंड जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो इसमें इनकॉर्पोरेट की गई हैं। इस बेडरूम की यहाँ पे हमने एक स्काईलाइट भी क्रिएट की हुई है, और ये इस बेडरूम का शॉवर एरिया और WC एरिया वो इस तरीके से हाइट किया गया है। चलिए, अब मैं लेके चलता हूँ आपको फर्स्ट फ्लोर के मास्टर बेडरूम की तरफ। फ्रेंड्स, जो मास्टर बेडरूम की एंट्री की ये वॉल है, इसको मैंने
लाइटिंग के साथ डेकोरेट किया हुआ है एक अच्छा स्कल्पचर इफेक्ट लेने के लिए। यहाँ पे आप ये देखेंगे एक स्पाइरल स्टेयरकेस ऊपर जा रही है सेकंड फ्लोर की तरफ, जो कि एक सर्विस स्टेयरकेस है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑल द सर्विसेज जो हमने टेरेस पे प्लेस की हुई हैं। यहीं पे मास्टर बेडरूम के साथ ही एक हमने स्लाइडिंग डोर के थ्रू स्टोर कम पेंट्री एरिया बनाया हुआ है फॉर एक्स्ट्रा लिनन स्टोरेज, गोदरेज अलमीरा, आयरनिंग, वॉशिंग मशीन, ये जितने आपके एक्स्ट्रा स्टोरेजेस, लगेजेस और ये जितने आपके लिनन हैं वो सारा यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। अगेन जो मास्टर बेडरूम की एंट्री है वो एक 9.5 फुट के हाई डोर के थ्रू है। मास्टर बेडरूम की एंट्री छोटे से वुडन फ्लोर के साथ होती है एंड रेस्ट ऑफ द मास्टर बेडरूम यहाँ पे टाइल्स का यूज़ किया गया है। अगेन ये मास्टर बेडरूम को एक प्राइवेट बैल्कनी के साथ इनकॉर्पोरेट किया गया है विथ स्लाइडिंग डोर एंड एडजस्टेबल मूवेबल स्क्रीन्स। और ये मास्टर बेडरूम से भी आप अगेन फ्रंट गार्डन का, पार्क का व्यू ले सकते हैं। यहाँ पे दिस ये जो है ये टीवी कैबिनेट कंसोल के साथ है, इम्पोर्टेड बेड है विद साइड टेबल्स और साइड लैंप्स के साथ, आर्ट वर्क का भी यूज़ किया गया है पेंटिंग्स वगैरह का। और सीलिंग देखिए बिल्कुल ही सोबर सोफिस्टिकेटेड और फोकस लाइट्स के साथ इंटीरियर को हाईलाइट करती हुई यूज़ की गई हैं। बेडरूम से जब हम ड्रेस कम टॉयलेट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स नो डोर कॉन्सेप्ट है, ओनली स्क्रीन के साथ इसको पार्टली हमने डिस्टिंग्विश किया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक ओपन वैनिटी कॉन्सेप्ट है, ड्रेसिंग है एंड फॉर आपके लिनन के लिए, आपके क्लोथ्स के लिए ये वॉक इन क्लोजेट है विद ग्लास डोर, सो दैट ये आपका डस्ट प्रूफ रहे और इंसेक्ट प्रूफ रहे। सो ये आपको एक वॉक इन क्लोजेट का कॉन्सेप्ट मास्टर बेडरूम में मिलेगा। जैसे आपने पहले भी देखा इसमें भी जो शावर एरिया है उसको एक एनक्लोजर दे दिया गया है और जो WC एरिया है उसको भी एक एनक्लोजर अलग से दे दिया गया है। ये सारा आपको बिना किसी डोर कॉन्सेप्ट के एक ह्यूज एरिया, पर्सनलाइज्ड एरिया मिल जाता है जो कि आप इंडिपेंडेंटली इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी आपने देखा फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे हमारे 3 बेडरूम हैं, लॉबी है, पूजा रूम है, स्टोर है। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस घर का बेसमेंट जो कि एक मल्टीपर्पज़ हॉल के हिसाब से, होम थिएटर के हिसाब से, बार के हिसाब से, पूल टेबल के हिसाब से, पार्टी हॉल के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। फ्रेंड्स ये एक फायरप्लेस है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इन विंटर्स विद फ्यूल, इसमें फ्यूल डलता है एंड इसको आप इग्नाइट कर सकते हैं। ये घर का फीचर भी है और इसको आप एक्चुअली यूज़ भी कर सकते हैं। बेसमेंट की एंट्री को हाईलाइट करता हुआ ये एक स्कल्पचर जो कि इंपोर्ट किया गया है विद लाइटिंग कॉन्सेप्ट। बेसमेंट की एंट्री जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया बाहर से भी है कनेक्टिविटी और अंदर से भी है। बेसमेंट का हॉल एक बहुत बड़ा हॉल के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है सो दैट इसमें जितने भी बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए जैसे कि होम थिएटर है, बार है, पूल टेबल है, जिम है, सिटिंग है, वो सारी इसमें इनकॉर्पोरेट हो सके। बहुत सारी आर्टवर्क, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, उन चीज़ों का यूज़ किया गया है इसको एक डिफरेंट, एक अलग से एक लुक लेने के लिए। जो होम थिएटर की सीलिंग है इसको हमने थोड़ा सा अनयूजुअल वे से एक्सपोज कंक्रीट और रॉ वुड की लुक के हिसाब से डिज़ाइन किया है। जितना भी आपका लाइटिंग कॉन्सेप्ट है और होम थिएटर का स्पीकर कॉन्सेप्ट है, प्रोजेक्टर कॉन्सेप्ट है, वो सारा ये छत से हमने ट्रैक के थ्रू हैंग किया हुआ है। इसको कुछ और रॉ लुक लेने के लिए
जो वॉल है उसमें एक्सपोज्ड ब्रिक हमने यूज़ की है। ये बेसमेंट का साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 50 फीट बाय 25 फीट है और ये बहुत अच्छा एज ए पार्टी हॉल सर्व करता है, जिसकी एक बाहर से एंट्री भी हमने बनाई हुई है जो कि डायरेक्टली फॉर द गेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। बेसमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन, उसका यहाँ पे पूरा ख्याल रखा गया है। और बेसमेंट के अंदर ही हमने पेंट्री एंड एक पाउडर रूम का भी हमने यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया है, सो दैट इट इज़ अ सेल्फ सफिशिएंट एरिया। दिस इज़ अ सस्पेंडेड बार हंग फ्रॉम द सीलिंग है, पूल टेबल है फॉर द किड्स टू प्ले, होम थिएटर है, जिम की मशीन्स हैं, में ही एक पेंट्री फॉर बैकअप पर्पस, सर्विस पर्पस वो क्रिएट किया गया है जिसमें के स्टोरेज है, वर्किंग शेल्फ है, सिंक है, माइक्रोवेव है, एक छोटा सा फ्रिज भी है। सिमिलरली यहाँ पे एक पाउडर रूम का भी प्रोविजन किया गया है जो के सेंसर के द्वारा ऑटोमेटिकली फ्लश आउट करने की भी सुविधा दी गई है। पाउडर रूम में जो कलर कॉम्बिनेशन है टाइल्स का वो बहुत ही वाइब्रेंट ब्लू एंड रस्ट कलर में यूज़ हुआ है। एक इसको बहुत ही फॉर्मल एंड इंस्पिरेशनल लुक लेने के लिए। इसको एज ए लाउंज यूज़ करने के लिए सिटिंग है, मसाज चेयर का आप आनंद ले सकते हैं, यहाँ पे रिलैक्स करके आप होम थिएटर को व्यू कर सकते हैं। होम थिएटर की मोटराइज स्क्रीन है, एज पर रिक्वायरमेंट आप इसको ऑन कर सकते हैं। जैसा कि आपने और भी बेसमेंट्स देखी होंगी, वहाँ पे नेचुरल लाइट बहुत कम होती है, आर्टिफिशियल लाइटिंग ज़्यादा यूज़ की होती है। आपको ये देख के हैरानी होगी कि इवन यहाँ पे बेसमेंट में भी डायरेक्ट सनलाइट आप विजुलाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा बेसमेंट जो कि एक मल्टीपर्पज़ हॉल है। जो एक सबसे डिफरेंट फीचर इस घर का है वो ये रियर गार्डन है, कोर्टयार्ड है। जनरली घरों में आपने देखा होगा कि जो बैकयार्ड है उसको प्रॉपरली प्लान नहीं किया होता, उसकी प्रॉपर एक लुक नहीं आती घर से। बट इस विला में मैंने कोशिश किया है कि घर के अंदर बैठे हुए जैसे एक फ्रंट गार्डन की लुक आती है, ऐसे ही आपको एक बैक कोर्टयार्ड की गार्डन जैसी फीलिंग आए। यहाँ पर मैंने कुछ ट्रीज और कुछ स्क्रीन्स का यूज़ किया है, मोर फॉर प्राइवेसी पर्पस और ब्यूटी पर्पस आल्सो। यहाँ पे कुछ रॉक्स का इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं, एक बेंच बनाया गया है, आपका मेटल में मैंने डियर एक उसको मेटल स्कल्पचर को क्रिएट करने की कोशिश की है ताकि एक पूरा आपको एक गार्डन का फील आए, एक इफेक्ट आए। घर में रियर कोर्टयार्ड के साथ ही कनेक्टेड एक सर्वेंट रूम और उसका वॉशरूम जो कि जनरल पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। फ्रेंड्स, ये जो सर्वेंट रूम है घर का वो ग्राउंड फ्लोर पे ही है और इसकी ये इंडिपेंडेंट अप्रोच है ताकि ईजी टू यूज़ हो सके। गार्डन के दूसरी तरफ हमारा क्लोथ्स ड्राइंग एरिया है जिसको आप यूटिलिटी वरांडा भी कह सकते हैं। ये थोड़ा सा हिडन एरिया है घर में सो दैट ये ज़्यादा हाईलाइट ना हो, येट हमारा जो है पर्पस फॉर ड्राइंग क्लोथ्स वो सॉल्व हो जाता है।
तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा मेरा 604 गज का 4 बेडरूम का विला एज ए ड्रीम हाउस जो मैंने अपने लिए खुद डिज़ाइन किया है। मेरे को उम्मीद है आपको पसंद आया होएगा। इसके अलावा घर में हीट पंप, सोलर पैनल्स बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, स्टेनलेस स्टील के वाटर टैंक्स, स्टेनलेस स्टील की पाइपों की वाटर सप्लाई, वो सब प्रोविजंस इसमें इनकॉर्पोरेटेड हैं। घर की डिज़ाइनिंग में टर्माइट का और वाटरप्रूफिंग का ख़ास तौर से मैंने ध्यान रखा है और इस तरीके के मटेरियल्स और प्रोविजंस की हैं कि आपको इस तरीके की फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना आ सके। हर एक पर्सन का अपना एक सपना होता है एक ड्रीम हाउस बनाने का, तो आप ये हाउस ऑन सेल भी है या आप ऐसा ही घर हमसे बनवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ड्रीम विला, मेरा ये ड्रीम रिजॉर्ट पसंद आया होगा। मैं आर्किटेक्ट हरप्रीत सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।